द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमिलिटी. विथ ऑल योर ह्यूमिलिटी कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, गो अहेड. माई कॉन्ग्रेचुलेशन, माई ब्लेसिंग्स. पोइट्री में आज एक नया नाम उभर के आया है सामने, बुशरा समरीन. और मेरी खुशकिस्मती है कि उसकी किताब का इजरा मैंने किया. हमेशा उम्मीद थी वो अच्छा करेगी, लेकिन वो राइटर होगी और पोएट्रेस होगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट इज गॉड गिफ्ट. वो रियलाइज की ड्यूरिंग पैंडमिक और अब इतना अच्छा करी है, तो डेफिनेटली वो हम लोग के लिए एक प्राइड की बात है. सब कुछ बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ दिस होल इवेंट एंड दैट्स इट. आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड विद व्हाट हैपेंड टुडे. बुशरा क्या कोलकाता में ऊंचा हुआ है नाम, बुशरा का कोलकाता में ऊंचा हुआ है नाम. बुशरा की सारी भरे, बुशरा की सारी यहाँ भूले भरे जमात देकर दुआएं बुशरा को करता हूँ मैं सलाम. हेलो दोस्तों, बुशरा समरीन, इसने एक अंग्रेजी में किताब लिखी है. उस किताब का नाम है अनपोलॉजिस्टिक इमोशन, जिसका इजरा जो है ईरान सोसाइटी में हुआ. बुशरा समरीन अपने हाथों से जो गेस्ट आए हुए थे उन लोगों के फूल वगैरह दे रहे हैं. आपको जैसे कि तस्वीर में नज़र आ सकता है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुशरा समरीन जो है बहुत खुश से तमाम जो मेहमान आए हुए थे इन लोगों को फूलों का गुलदस्ता वगैरह पेश कर रही थी. आप नदीमुल हक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा वहाँ पर मौजूद थे और जनाब ज़हीर अनवर साहब प्ले राइटर थे और वेलकम स्पीच जनाब हुमायूं साहब ने दिया और इनॉग्रेशन स्पीच सईदा सकीना अली प्रिंसिपल सैफी ऑल कलकत्ता ने. चीफ गेस्ट जो थे दिवा प्रसाद बनर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज कोलकाता और स्पेशल गेस्ट थे ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब सीनियर एडवोकेट हाई कलकत्ता हाई कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी ईरान सोसाइटी. आचार्य जमाल आचार्य साहब संस्कृति स्कॉलर एंड पियोट थे और डॉक्टर आसिम शाहनवाज शिबली साहब पीजी डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद कॉलेज. और वोट ऑफ थैंक के जनाब मुबारक अली मुबारकी साहब ने. और इसके साथ आप लोगों को बता दें वहाँ काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, जहाँ जैसे कि शहजाद शिबली साहब, कमरुद्दीन मलिक साहब, डॉक्टर मज़र किबरिया साहब. इसके साथ ही आपको जैसे वीडियो में नज़र आ सकता है कि बुशरा समरीन की किताब का इजरा हुआ जनाब नदीमुल हक साहब के तरफ से और काफ़ी तादाद में मेहमान वहाँ पर मौजूद थे और बाहर से भी मेहमान आए हुए थे. मोहम्मद बदरुज़मा साहब सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर मज़र किबरिया एसोसिएट प्रोफेसर जेपी यूनिवर्सिटी छपड़ा. आपको ये वीडियो जैसे देख सकते हैं कि इस वीडियो में तमाम गेस्ट और मेहमान लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे बैठे हुए थे और बुशरा समरीन की जो किताब थी अनपोलॉजिटिकली इमोशनल उसका इजरा किया गया. अब बुशरा समरीन के बारे बताया गया जो पढ़ने को नहीं मिलता कि एक किताब के इजरा में जो कि एक स्टूडेंट है बुशरा समरीन सैफी हॉल की और इनके तादाद में भी आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ सकता है काफ़ी खुश और काफ़ी तमाम जो उनकी सहेलियां उनके जो मिलने वाले लोग थे उन्होंने गुलदस्ता पेश किया और एक एक किताब जो है 5,000 रुपये तक वो किताब वहां पे इसका किताब को वहां पे सेल हुआ अभी का जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी दिनों से ये एक्टिव रहती हैं. आपको जैसे वीडियो में नज़र आ सकता है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट नदीमुल हक साहब साथ में खड़े हुए हैं और उसके साथ जो है काफ़ी लोग डाइक्स में बैठे हुए और इनकी जो है हौसला अफजाई की जा रही है. आइए देखते हैं और सुनते हैं पूरी वीडियो में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वहां के मेहमानों ने इसके बारे में क्या कहा. बुशरा के मंझले चचा अकबर अली साहब ने 1,000 में किताब खरीदी है और छोटे चचा हैदर अली साहब ने 500 रुपये में किताब खरीदी है. अब मैं मुबारक अली मुबारकी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और हदीए तशक्कुर भी इसी दरमियान पेश करें. जनाब मुबारक अली मुबारकी, सारे प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुबारक अली मुबारकी के सर पे. जलसा के सदर मोहतरम ज़हीर अनवर साहब मंच पर मौजूद थे. अब तक पोइट्री में आज एक नया नाम उभर के आया है सामने, बुशरा समरीन. और मेरी खुशकिस्मती है कि उसकी किताब का इजरा मैंने किया, लेकिन सब लोग जो बैठे हुए थे और जो नक्काद सब बैठे हुए थे वो उनकी पोइट्री और उनके शायरी का जो जायज़ा लेकर के सामने रखे हैं. मेरे ख्याल से ये जो मुसनिफा है ये बहुत आगे जाएगी. जी मैंने कहा कि तर्जुमा करना चाहिए और जिम्मेदारी दी है प्रोफेसर आशिम शाहनवाज शिबली साहब को कि वो इसका तर्जुमा की जिम्मेदारी ले और इसको शाया करने की फिर हम लोग सब मिलजुल करके इसको किया जाए.
जी माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है, कितने अच्छे से उसने लिखा है और ये जो इमोशंस के बारे में लिखा है ये बहुत अच्छी बात है। ये बताती है, ये हम लोग की डिबेटर रही थी स्कूल से ही, वो बहुत ब्राइट और अच्छी रही है तो इसलिए हम लोग को हमेशा उम्मीद थी वो अच्छा करेगी, लेकिन वो राइटर होगी और पोएट्रेस होगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट इज़ गॉड गिफ्ट, वो रियलाइज़ की ड्यूरिंग पैंडमिक और अब इतना अच्छा करी है तो डेफिनेटली वो हम लोग के लिए एक प्राइड की बात है। हम बहुत खुश हैं कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं जी। पोइट्री इज़ गॉड्स गिफ्ट, वो कोई ट्रेन नहीं कर सकता, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं एंड दैट्स गॉड्स गिफ्ट। जो जिसके अंदर है वो सहलायत वो पोइट्री लिख सकेगा, वो ट्रेन नहीं किया जाता है और जब वो इमोशंस एकदम फ्रॉम द हार्ट होगा तभी उसको इतना अच्छा करेगी। और सिंस शी इज़ इमोशनल एंड शी हैज़ फाउंड दैट टैलेंट, दैट इज़ वाई शी इज़ डूइंग सो वेल। तो देखिए नज़्म लिखना हाँ वो अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में हो, दोनों ही बहुत टफ़ काम है। शायरी आपको उतना ही स्पेस देती है जितना स्पेस आप शायरी को देते हैं। इस बच्ची ने अंग्रेज़ी शायरी के लिए अपना जो स्पेस दिया है और जो रियाज़ किया है और जो अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में जो महारत हासिल की है उसके लिए तो मैं इसे मुबारकबाद देता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये समझता हूँ कि ये हमारी नई नस्ल के लिए एक बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है कि आने वाली नस्ल, इनके बाद की नस्ल, शायरी हो या साइंस हो, नसर हो या नज़्म हो, उसकी तरफ आगे बढ़ें, इल्म की तरफ आगे बढ़ें और इसके लिए इनको बहुत मुबारकबाद। सिर्फ टी एस एलियट की आवाज़ में फिर एक बार कहूँगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ह्यूमिलिटी, विथ ऑल योर ह्यूमिलिटी कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, गो अहेड, माय कॉन्ग्रेचुलेशंस, माय ब्लेसिंग्स। ऐसा है कि बदरुज़्ज़मा मेरे दोस्त हैं, हम लोग रोज़ाना एक जगह बैठते हैं, मैं आसिम शाहनवाज शिबली साहब मौलाना आज़ाद कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर जावेद हुमायूं भाई, तो वहाँ ज़िक्र निकला कि बुशरा ने फिर एक किताब लिखी है। पहले एक किताब वो लिख चुकी थी जो नॉन फिक्शन था, तो पोइट्री की किताब आई थी, तो मैंने कहा कि साहब इसका एक इजरा होना चाहिए, रिलीज़ जो है अच्छे से हो ताकि लोगों को पता चले। और इसका मेन मकसद मेरा सिर्फ बुशरा को का नाम करना नहीं था, मेरा मेन मकसद ये था कि हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से हम अपनी लड़कियों को हम लोग वो मौका नहीं देते हैं जो उनको भी आगे बढ़ने का एक चांस दिया जाए, तो मैंने कहा कि अगर ये एक अच्छे से बड़े पैमाने पर अगर इसकी एक रस्म इजरा होती है तो जो दूसरी हमारी बेटियां हैं उनको भी लगेगा कि वैस यस वी कैन डू इट। और इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम किया और इसमें जिन लोगों ने साथ दिया हमारा, जैसे कि नदीमुल हक साहब एमपी इज़्ज़त माब, उन्होंने हाँ की, बहुत खुशी खुशी वो आए और पूरे प्रोग्राम में आपने देखा कि वो शुरू से ले कर आखिर तक यहाँ बैठे रहे और पूरा प्रोग्राम मुकम्मल करके गए। और बाकी जो लोग भी आए तो सबका ही शुक्रिया है और ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों की, ख़ास तौर से मैं कहूँगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ एम आई फीलिंग, बट आई एम रियली हैप्पी एंड मैं खुश हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ दिस होल इवेंट एंड दैट्स इट, आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्ड with what happened today. आज आपका जो बुक रिलीज़ हुआ यहाँ पे एमपी से लेके और बंगाल के सब नामी गिरामी शख्सियत, ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्या यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है? बस हम ये बोलना चाहेंगे दैट वी ग्रू अप लाइक दिस, हम लोग वी नेवर टुक अ डिसीजन दैट हम लोग को मुस्लिम बनना है या हिंदू बनना है, सो वी आर ऑल ह्यूमन्स एंड वी आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर। सो बस जो है आप लोग बस चलते जाइए, आपका बैकग्राउंड क्या है वो आप सक्सेसफुल हो जाएगा तो कोई नहीं देखता। आपके जहन में कैसे आया कि यही बुक लिखा जाए, बहुत से बच्चे जो है बहुत भी रहते, आपको जहन में ये बात कैसे आई? बस मैंने स्टार्ट किया लिखना, आई लाइक्ड राइटिंग, मेरे फर्स्ट बुक लिखने के बाद मेरे को लगा कि मेरे अंदर ये एक टैलेंट है एंड आई कैन राइट इट एंड फर्स्ट बुक में एक दो पोइट्रीज था, एवरी वन रियली प्रेज्ड द पोइट्रीज, सो आई थॉट कि जितने भी मैंने पोइट्रीज लिखे हैं इट्स अराउंड 50, तो मोर देन 50 मे बी, सो 21 पोइट्रीज जो बहुत अच्छे से फ्रेम होके रखा हुआ था, सो मैंने उसे कंपाइल किया एंड पब्लिश्ड। क्रेडिट आप इसको देना चाहती हैं? मम्मी पापा ने मेरे को ऐसा बनाया है फॉर राइटिंग, फॉर गोइंग इन टू इट, फॉर टेकिंग अ डिसीजन फॉर राइटिंग, आई विल गिव क्रेडिट टू मी, अदरवाइज द पर्सन आई एम टूडे, द
upbringing I am here with, the upbringing I am here, it's with mummy and papa. She is my one of my most favorite teachers, and her regulations in school really gave me confidence, boosted my confidence actually. So